Hello everyone, this is Bipin Mishra. Today I will be discuss Aaj Ki Taaja Shabdkosh Series 21. Jaisa ki aap logon ne abhi tak meri 20 series nahi dekhi hogi, to bilkul dekhen. Aur main umeed karta hoon ki bahut sare logon ne meri series ko dekha hoga. Aur abhi idhar beech kai dinon se aapko वर्ड पावर की ताज़ा शब्दकोश की सीरीज़ की वीडियो नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. लेकिन मैं आज से आप लोगों के लिए आज की ताज़ा शब्दकोश की सीरीज़ फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ. तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो 21st है. आए देखें तो जो आज की सीरीज़ है 21 सीरीज का जो आज मैंने शब्द लिया है, टुडे आई हैव टेकन दिस वर्ड दैट इज अबेट. व्हाट इज अबेट? अबेट है क्या, पहले समझते हैं. अबेट एक आपकी वर्ब है, ये क्या है, एक क्रिया है. अगर इसका अगर हिंदी मतलब समझना है तो इसके हिंदी का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता इंटेंसिटी को क्या कर देना, कम करना. तो इंटेंसिटी क्या कर देना किसी चीज की, कम करना. जैसे प्रदूषण है उसकी इंटेंसिटी आप घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अबेट कर रहे हैं आप. आपका ज्ञान है, अगर आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो इसका आपका क्या हो रहा है, अबेट हो रहा है. तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर नॉलेज इज अबेटिंग. तो तुम्हारे जो ज्ञान का जो स्तर है, इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, वो क्या हो रहा है, दिनों दिन कम हो रहा है. तो बताया जा रहा है. अब इसमें हम देखेंगे कि एक साइड में आपको ट्रिक से ही कवर करूंगा एंटोनिम को और सिनोनिम को. ट्रिक देखते हैं. तो पहले हम साइनो पार्ट को क्लियर करेंगे आपके. तो सिनोनिम में क्या है, सिनोनिम में कुछ नहीं करना है, फोर डॉन आए उसके औकात कम कर दिए. अब देखिए यहां फोर डान का अर्थ क्या है कि डी से क्या बन रहा है आपका, कम कर देना, औकात को कम करना. तो यहां कम करने की मीनिंग किससे बन रही है, 4D से बन रही है. तो 4D में 4D हम ले लेते हैं. पहला जो D बनेगा आपका, एक शब्द है आपका डिमिनिस, एक शब्द होता है डिक्रीज, एक शब्द है आपका ड्विंडल, एक और बहुत बढ़िया शब्द है डिप्लेट. ये आपके चार शब्द हो गए. अब इधर से देखेंगे इसके एंटोनिम पार्ट को, जिसको विलोम शब्द. इसका कम करने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का कम करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रभाव को बढ़ा देना. तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो मेन मीनिंग लिखूंगा इसका मतलब होगा प्रभाव को बढ़ा देना. इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूं, पापा का बेटा इंजीनियर बना, इज्जत बढ़ाया. तो इन इससे जितने भी शब्द बनेंगे ये क्या देगा, मीनिंग बढ़ाना. अब पापा में से निकालना शुरू करेंगे, पी फॉर क्या हो जाएगा, प्रोट्रैक्ट. एक ए पी हो गया, एक ए को देखेंगे, एक हो जाएगा आपका एम्प्लीफाई कर देना,
अब एक पी यहां से लेकर आएंगे, अब तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रोलॉन्ग करना, PROLONG। एक ए का मतलब होता है अगमेंट। अब देखिए इंजीनियर में भी मैं एक शब्द निकाल लेता हूं यहां से, एलनगेट, और यहां से ही एक दो ए डबल ई है ना, इसको भी देख लीजिए, यहां से एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्रीज, अच्छा शब्द है बढ़ाना, और एक शब्द होता है एक्सपेंड करना। तो ये 3 E मिल गए आपको। आपने देखा कि अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। तो इंप्रूवमेंट ऑफ योर नॉलेज इज अबेटिंग, अबेटिंग का मतलब क्या हो रहा है, आपके जो ज्ञान का स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 4 डाउन में मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। एक रेंडम शब्द अगर आप चाहें लिखना तो लिख लीजिएगा, एक रेंडम वर्ड इसके लिए होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम करना। अभी तक आपको मैंने जो चीजें बताई हैं ये ट्रिक आपको बहुत ही काम की चीजें हैं, अगर आप ट्रिक के माध्यम से चीजों को याद करते हैं। वकैब थोड़ा सा ऐसे याद कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से आज शब्दों को समझाया है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकें। और अभी तक 20 सीरीज़ हुई थी, आज आपकी 21वीं सीरीज़ थी। अभी आप लोगों के लिए एक जो सीरीज़ चल रही थी एडियम फ्रेज वाली, उसमें 4 सीरीज़ पड़ी हुई है जो कैप्सूल के नाम से जा रही है, उसकी भी मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। आज आपको 5वीं सीरीज़ भी मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए एक सूचना मैं और देना चाहता हूं कि ग्रामर का एक मैं बैच लेकर आ रहा हूं, जिसमें 9th से लेकर 12th तक प्लस SSC, बैंक और जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसके लिए रिलेवेंट होगा। CUT के लिए भी है, कामगार होगा, तो इसको भी आप लोग जरूर देखें समझें। बस आज के लिए बस इतना ही।